शानदार डिजाइन है वो इस पे बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आपने देवनारायण भगवान के सभी धाम देखे और दोस्तों आज आपको जो गठगोठा है वो दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, 2 किलोमीटर यहाँ पर गोठा गांव है, तो वहाँ पर चलेंगे और देखते हैं दोस्तों कि उनके गांव में किस प्रकार का, जो भगड़ावतों का गांव था उसके अंदर किस प्रकार का भव्य मंदिर बना हुआ है और क्या चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए चलते हैं, इस रास्ते से होते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर गठगोठा गाँव है, तो वहाँ पर चल करके आपको दर्शन करवाते हैं और देखते हैं वहाँ का दृश्य। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं धड़ावत गांव, और दोस्तों जो गोठा गांव है वो पीछे आप मेरे मंदिर देख सकते हैं। अभी हम मंदिर में चलेंगे और आपको दर्शन करवाते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर है और अगर यहाँ पर कोई वृद्ध व्यक्ति होगा तो इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ के मंदिर के बारे में बताएंगे और जो शानदार दृश्य है वो आपको हम दिखाएंगे। हाथ जोड़। दोस्तों अभी हम गोठा गांव में पहुंच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं भव्य मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों हम इन पुजारी से जानना चाहेंगे यहां के इतिहास के बारे में और जो अच्छी बातें हैं। तो क्या नाम आपका? कुपाराम पुजारी, गोठा धड़ावत। तो आप यहाँ के इतिहास के पन्नों को पलटें और यहाँ के बारे में बताएं। यह हमारा सबसे पहले यहाँ बगड़ावतों की राजधानी थी, यहाँ चोईस भाई राज करते थे। सबसे पहले जो गांव था ये दुदाजी खटाना का था और दुदाजी खटाना का वह राज्य रहा, और उस राज्य में 24 भाइयों के 24 परगने और 1 भाई के 444 खेड़े इस पूरे एरिया में ये गोठ कहलाता है। सबसे पहले बाघ राव जी ने यहाँ पास में बंदौर बसाया और बगड़ावत गायों चराने के काम करते थे। अपने नागपाड़ के डूंगर से लेकर के यहाँ बैराट भवन का स्थान बना हुआ है, वहाँ उनका बैठना था और यहाँ गायें चराते थे। सबसे पहले स्वयं भोज महाराज को शादी के लिए बड़े बड़े हो गए थे, सबसे पहले शादी दुदाजी खटाना ने अपनी बेटी साडू माता को परनाई, और वो राजा की बेटी थी साडू माता। तो दुदाजी ने सोचा कि ये बगड़ावत गायें चराते हैं और अपने यहाँ जंगल में रहते हैं, तो ये मेरी जो रियासत है तो मेरी बेटी को मैं कांचली में दे दूँ, हथलेव में इस दूँ। और तो यहाँ राज उस प्रकार बगड़ावतों का राज जो शुरुआत में दुदाजी खटाना की रियासत है वो पूरी दान में दे दी, तो बगड़ावतों का राज कायम हो गया था। यहाँ 24 भाइयों के 24 गाँव है। नियाजी का नेगड़िया है, तेजा जी की पाटण है, आशा जी की आसिंद है, प्रसाद जी की प्रासोली है, जीवा जी की जीवलिया है, कावजी कांगलिया, बाहर आव की बागोर है, इत्यादि आसपास में आज सभी खेड़े आज भी उसी नाम से विद्यमान है, उस बगड़ावतों के टाइम से चले आ रहे हैं। फिर बगड़ावत और राण के राव के यहाँ लड़ाई का काम चालू हो गया रानी जयमती के शादी के उपरांत, और लड़ाई के दौरान हमारे दुदाजी यहाँ अतलाव में हींच करके जान का बेटा बुआलगढ़ में था, अपने वहाँ नरोरगढ़ का राजा था यहाँ अपने पास में, तो वहाँ उन्होंने सगाई कर दी बराबर आकर के, तो वो शादी करने के लगे तो इनके पड़ोसी राजा थे हमारे राण के राव जी, जो अपने अभी राण भिड़ाई में उनके खंडर और महल स्थित है, और खेड़ा चौसला जो अपने गुलापरा में स्थित है, खेड़ा चौसला में बगड़ावतों का जो सीमा थी अपने इस राज की और उस राज की, दोनों पगड़ी बलित भाई थे। और रानी जयमती के हिसाब से शादी तो उनके राण को राव का करनी थी, लेकिन रानी जयमती ने बगड़ावतों को पसंद कर लिया और खंडा बेच के पहले शादी कर ली, इसलिए इनके बेर चालू हो गया। बेर के उपरांत जो खारी नदी का ढावा है 12 कोस के एरिया में यह बगड़ावतों के लड़ाई चली। लड़ाई में सारे बगड़ावत वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर गति प्राप्त होने के बाद हमारा सोई भोज का जो स्थान बना हुआ है वहाँ पर सबसे लास्ट में सोई भोज महाराज वहाँ काम आए, जो पाखाण के हो गए थे उनको पहले वरदान था कि भी जब आप लड़ाई करते हैं तो आपने किसी औरत पर गलानी मत लाना, लेकिन लास्ट में जब नियाजी का नेगड़िया यहाँ से 3 कोस है, नियाजी का शीश नेगड़िया में कट गया था, लेकिन बिगर शीश लड़ते 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 वो सोई भोज और धड़ावत में आ पहुँचे, तो सोई भोज महाराज को गलानी हो गई कि ऐसा अगर युद्ध ही काम आ गया तो हमारे बगड़ावतों में कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने गलानी पैदा कर ली और उनका जो शराब था पहले वाला, तो सोई भोज महाराज अब पाखाण के हो गए। वो सोई भोज का स्थान विद्यमान है। सारे बगड़ावत मारे जाने के बाद ये रियासत साडू माता और हीरा दासी बच गई थी, वो डर के मारे हमारे मालाशेरी डूंगरी है वहाँ चली गई थी, वहाँ भक्ति करने लगी,
12 वर्ष बाद में देवनाथ भगवान के वचना सुलार वहाँ पर पाकर फोड़ करके, पत्थर को फोड़ करके कमल के फूल में देवनाथ भगवान का अवतार हुआ और साधु माता और हीरादासी देवनाथ भगवान को लेकर यहाँ आ गई, जो पालना यहाँ विद्यमान है। और उसके बाद में राणा राव ने सोचा, और उस देवनाथ जन्मते ही दड़ौट में आते ही उनका लौन पूरने का काम, उसका जलवा पूजने का काम गोठा दड़ौट में ही हुआ है। गोठा में घूघरी शिजी और साधु माता की जो अजमा और ऊँट जो कूटी जाती थी उसकी ओंखड़ी यहाँ पड़ी हुई है। उसमें उसके जापा का जो था उनके पुत्र अवतार लिया, लेकिन उसको दूध की जरूरत थी जिससे अजमा ऊँट कूटने की ओंखड़ी आज भी विद्यमान है। फिर राणा राव ने सोचा, उनका गडगा कांगड़ा टूट गया, गडगा कांगड़ा टूट के यहाँ से कम 45 किलोमीटर है, उसका गडगा कांगड़ा टूट के यहाँ पड़ा हुआ है, वो आज भी विद्यमान है। और उनके बाद राण के राव ने अपने यहाँ चार ब्राह्मण भेजे थे और साधु माताओं को कहा कि एक तांबेश्वर की बावड़ी अपने बंकिया रानी के आगे कि उस बावड़ी जो बगड़ावतों की आवत की बावड़ी है, तो साधु माता वहाँ एक दिन ही पानी लेने गई थी। उस ब्राह्मणों ने कहा यहाँ से वो 15 किलोमीटर पड़ती है, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इतने दूर से पानी लेकर जब साधु माता आएगी जितने हम देवनाथ भगवान को मार लेंगे। तो भगवान ने ब्राह्मणों ने देखा यहाँ पर अपने पालने में, वो पालना भी देवनाथ भगवान का जो पात्र का पाखान का यहाँ विद्यमान है। और यहाँ आकर के देखा, वो कहते हैं अंधारे मन का ओहरा था, ओहरे में जा जाकर देखा तो भगवान देवनाथ ने तीन रूप बताए, जवान का रूप बताया, बुढ़ा का रूप बताया, सर्प का रूप बताया। तो ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, झगड़ने के बाद वो आपस में झगड़ रहे थे जितने में साधु माता तामेश्वर की बावड़ी में पानी लेकर आ गई। उस बावड़ी में उस समय बोल के परिचय दिया था कि अपना घर दुश्मन आए हुए हैं, तो जल्दी पानी लेकर जा। तो आज वो साधु माता यहाँ पहुँची तो आज में पाखंड के हो गए, तो पाखंड के हैं। फिर राण के राम ने चार द्वितीय भेजी कृष्ण भगवान के, जिस प्रकार जहर के बोबे देने के लिए, तो जहर के स्तन चुकाने के लिए यहाँ द्वितीय आई, तो भगवान ने उसको पूरा खोखला कर दिया और आज वो पत्थर के रूप में विद्यमान है। जो बगड़ाऊ जो पूजा करते थे वो बगड़ावतों की अपने शंकर भगवान हैं, वो शंकर के भक्त थे बगड़ावत, तो शंकर भगवान का स्थान भी है बगड़ावत। जो भी यहाँ ये जो राजधानी थी तो 24 गांवों से आकर के 24 ही भाई यहाँ बैठक करते थे, उनकी हतई यहाँ मौजूद है, हतई भी नई निर्माण चालू है उसका। और उनके पत्थर जो बगड़ावतों के हाथ के पत्थर हैं वह नीचे हैं, और बगड़ावतों की बावड़ी जो रानियाँ पड़ी पड़ती हैं, यहाँ प्राचीन बावड़ी भी स्थित है और ऐतिहासिक स्थान। इस प्रकार भगवान इस प्रकार परेशान करने से फिर साधु माता देवनाथ भगवान को लेकर मालवे में चली गई थी देवास में, क्योंकि दुदाजी खटाणा यहाँ अतलव मेज के शिवनी में पानी नहीं पिया और देवास जाकर के उसका राज कायम कर लिया था दुदाजी खटाणा, इसलिए भगवान देवनाथ का नलियाल देवास कहलाया। 6 साल तक भगवान देवनाथ अपने देवास नलियाल में रहे, और नलियाल में लेने के बाद छोचू बाड़ जी यहाँ से जाते हैं और सभी वृतांत बताते हैं। फिर देवनाथ भगवान वापस आते हैं, वापस आते समय धारनगर में कोर्ट के कुंवर मंगाए और धारनगर राजा की भाई पीपल देशों में नाम को आई, उनको उनकी शादी करते हैं, उनका कोट झाड़ते हैं, उनका सींग झाड़ते हैं। उसके बाद भगवान देवनाथ आगे आकर के हमारे जाति समय में हमारा पालना जी का देवरा है देवनाथ मंदिर का, यहाँ पर जहाँ देवनाथ भगवान को शेरणी ने दूध पिलाया था वो अभी भिलवाड़ा के पास में विद्यमान है। और उसके बाद चित्तौड़ जो इसमें पड़ता है वहाँ पर नहीं, पालना जी के देवरा देवमाली का था, फिर बेकुल से वापस आए थे। भोजा पायरा वहाँ जो जंगल था और जो 12 कोस के एरिया में जब लड़ाई हुई थी, और जब भोज महाराज की जो वहाँ पर जो भोजा पायरा था वहाँ पर बैठते थे, उसकी बैठक थी और गायें चराते थे, गायें चराने उसी इसलिए वो भोजा पायरा कहलाया। और आज भी वहाँ भोजा पायरा विद्यमान है, नया मंडल को पुराना पत्थरों का बड़ा हुआ है। और आगे जब चित्तौड़ से फिर वापस आते हैं तो अपने नगर सेठ सारंग दे जी है चित्तौड़ में, उनका दयंत हो जाता है। और दयंत होने के बाद में अगर उत्सव करते तो मगर देवनाथ पूछते हैं कि भाई इतना उत्सव क्यों कर रहे हैं, कि भाई ये बहुत बड़ा नगर सेठ था और इनके कोई औलाद नहीं है। तो भगवान देवनाथ ने जेतु का सब संकट मेटा, इच्छा पूरी दीना बेटा, तो भगवान ने वहाँ जेतु बिरयानी को अब एक बेटा दिया। और उस जो सारंग दे जी थे उसको अपने बिचली भाषा में खाटली को नीचे उतरा करके, बैकुंठ को नीचे उतरा करके सर्जीवित किया। तो आज भी हम जब भी अपनी बेकुंडी ले जाते हैं तो हम बचले बच्चों को नीचे उतारते हैं, उसी भगवान देवनारायण का वो चलाया हुआ कि मुर्दा जिंदा भी हो सकता है, वो विश्वास है। और फिर वो भगवान वो जेतु ब्रैणी आकर के यहाँ मंदिर बनाया था, वापस नहीं आ, पहले मंदिर नहीं था, मंदिर देवनारायण का सबसे पहले यहाँ बनाया था जेतु ब्रैणी ने, जब देवनारायण भगवान मौजूद थे। तो ऐसे 24 खंबे थे, अभी ये जो प्राचीन खंबे हैं ऐसे 24 खंबे थे। भगवान जेतु ब्रैणी मंदिर बनाते ही हमारे बागा राव जी का बदनौर है, वहाँ पर बैराट भवानी का स्थान है, देवनारायण भगवान और जेतु बिरयानी और हीरादासी साधु माता पिपल दे सभी वहाँ गए थे।
और यहाँ आने के बाद देवनाथ भगवान ने सौर दिया कि घोड़ी जो सौर में थी भगवान की वो वापस लाए। जयमंगला हाथी पिलोदा में था उसको वापस लेकर के धड़ाउट में आए और एवड़ उधर अपने पिलोदा के राज में थे पिलोदा के राज से यहाँ वापस लाए। भूणा जी भंग जी अपने नैनियाल में थे उसको वापस लाए। भूणा जी वहाँ कैद थे अपने यहाँ अजमेर में तो उनको लेकर के वापस यहाँ आए। मेंदू जी मंदा नहीं अपने भूणा जी थे मेंदू जी मंदिर अपने नियाल देवगढ़ बंतारिया में थे और बांगी जी अपने बांग की कुंडी में अपने रुपाइली जो स्थान है वहाँ बांग की कुंडी में क्योंकि वो 7 महीने के थे उस टाइम में सारे भगड़ाओ तो रानी सती वहाँ पर अपने बांगी जी जो बांग की कुंडी में उसको 7 महीने का पेट पलना के निकाला था तो रूपनाथ जी रुपाइली बसई यहाँ पर रुपाइली में बांग की कुंडी में अपने बांगी जी को रखे थे और उनको पहले वो कोई व्यवस्था नहीं थी हॉस्पिटल की तो बांग की कुंडी में रखकर उसमें रखे थे रुपाइली के अंदर। फिर वो चारों भाइयों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर पाठ दड़ाउट को वापस बसाया। लेकिन जेतु बिरयानी जो मंदिर बनाया तो उन्होंने अभिमान कर लिया था गर्व कर लिया था कि भगवान देवनाथ ने आपके ऐसा मंदिर नहीं तो कोई बनाएगा नहीं कोई बनाया तो बैसाख महीना में नदी आकर के पूरा का पूरा मंदिर यहाँ बह गया। बगड़ावतू के मेल माड़े जो थे यहाँ इस केतु में वो बगड़ावतू हत्या थी सब ढेक के चले गए और भगवान देवनाथ का श्राप था कि इस धरती में बहुत मंदिर हो जाएंगे अपने तेरे यहाँ का काम नहीं होगा। तो 1100 साल अब ने 1174-75 साल है यहाँ पर पहले कोई काम नहीं 2007 के बाद में ये नया मंदिर बना है और पहले जो 1500-1100 साल से वो यथा वो चले ही आ रहा था इसलिए भगवान देवनानी की कृपा थी। और आज भी इस मंदिर पे आज भी सरकारी 100 रुपये का काम भी नहीं हो रहा है सभी अपने जो भगवान जो दान पेटी में आता है या जो समाज के जो लोग देते हैं उसी से निर्माण कार्य चल रहा है। अब आगे की भी हमारी योजना है कि नीचे जो हमने छोड़ रखा है पूरा 50 बाई क्षेत्र का उसमें पनोरामा जो बगड़ावतों की जो है जीवन लीला नीचे है पूरा अंडरग्राउंड उस पर जीवन लीला बनाएंगे ऊपर एक खंडोर बनेगा और बगड़ावतों की हत्या का निर्माण और बगड़ावतों की बावड़ी का छोचूबाड़ की छतरी भी विज्ञमान है और जो बगड़ाव बांग हमने बांग ओढ़ते थे तम्बाकू जो बनाते थे वो भी उखड़ी भी विज्ञमान है और बाबा रूपनाथ जी बगड़ावतों के गुरु जी भी विज्ञमान है। इस प्रकार ये मंदिर का अनुरोध आज भी इस मंदिर में एक अखंड ज्योत हमारी घी की अखंड ज्योत चलती है ये अपने यज्ञ कराने के बाद में ये नई मूर्तियाँ अभी भी और प्राचीन मूर्ति जो है उस मंदिर में नीचे और जो अवशेष है जो आसपास के गांव में 24 गांव आज भी विज्ञमान है और इस प्रकार हमारे देवनारायण भगवान का सारा देवमाली भगवान देवनारायण यहाँ से फिर बंडागर गए। बंडागर से भगवान देवनारायण बैकुंठ चले गए थे बेकुंठ बिल्ला बिली उनके बाद में उनको कोई वंश कैसे चला गया तो भगवान ने अपने पसीने के बिल्ला बिली बनाए तो अपने जो देमाली का स्थान है वहाँ वैद्यनाथ की धुनी थी तो उस धुनी पर वो बिल्ला बिली गए हमारा कोड़ वहाँ मिट जाएगा लेकिन वैद्यनाथ जी से भी वो कोड़ नहीं मिटा तो फिर भगवान देवनाथ को अरदास किया कि भी अगर वैद्यनाथ की धुनी आया बहु कोड़ इनका कोड़ मिटाया तो मैंने के कई लोगों का कोड़ मिटा दिया लेकिन इस अपने ये बिल्ला बिली का कोड़ क्यों नहीं मिट रहा तो फिर भगवान देवनाथ को वापस अरदास किया तो भगवान बैकुंठ से वहाँ वापस आए थे और भगवान के रूप में पाठ निवास हुआ करके सबसे पहले बिला बिली ने वहाँ पूजा चालू की थी इसलिए वहाँ आज भी हर पत्थर और हर वृक्ष भगवान बैकुंठ से वापस आए तो वहाँ झुक के उसका नमन किया आज भी देमाली का वही इतिहास है। आगे भगवान के बैकुंठ धाम है बगंडागर यहाँ से 8 किलोमीटर वहाँ से बैकुंठ सिधार गए। तो यहाँ पर मेला कब भरता है बाबा का? यहाँ भादी छठ पे मेला तो ऐसे जैसे वो डोलरों का नहीं बनता लेकिन भादी छठ पे रखते हैं हम कार्यक्रम और यहाँ सभी लोग एक साथ पैदल यात्राएं भी आती है 10-20 और जम्मा रामगढ़ से जयपुर से कोटपुतली से दौसा से दूदू से या निया गांव से अजमेर से इधर मकराना से सबसे पहले पैदल यात्रा हमने मकराना गुणावती से इस मंदिर पर चालू हुई और इसके बाद धीरे 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 इस ये सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है आने का? यहाँ आने का वैसे चौमासा ठीक रहता है और वर्षा ऋतु में श्रावण भादवा श्रावण भादवा अनोत्री आदि चलते हैं जैसे अलवर के हैं बहादुरपुर के एमपी के आसीन आशा राव जी की आसीन थी आशा राव जी की थी वो आशा राव जी उसको संभालते थे उनका वो प्रगणा था युद्ध क्षेत्र ये अपना खारी नदी रही आसीन आसीन खारी नदी से लगा करके नेगडिया से लेकर के खेड़ा चौसला तक ये पूरा लंबा और इधर अपने रायला दीप कुंवर भाई का रायला दीप कुंवर भाई वहाँ रहती थी वहाँ अपने नहीं थे दीप कुंवर का रायला तो दीप कुंवर भाई वहाँ वो रायला संभालती थी। तो दोस्तों आपने इतिहास देखा गोटा गांव का और जो ये मंदिर है काफ़ी शानदार बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें इतिहास के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों जो अभी इतिहास की काफ़ी चीज़ें वो हम दिखाएंगे तो ये आप खंभा देख रहे हैं ये प्राचीन समय का है और जो ये नवनिर्मित मंदिर है
इसके अंदर इन दो खंभों को लगाया गया है, जो कि एक खंभा उस साइड में है और एक खंभा इस साइड में है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नक्काशीदार डिज़ाइन है वो इस पर बनाई गई है। यहाँ पे आप सर्प देख सकते हैं जो कि किस प्रकार से लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक प्राचीन शिलालेख है जिसको दोस्तों अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है कि किस सन में ये मंदिर बनाया गया था, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके का जो ये मंदिर के पिलर में लगाया गया है और ये काफ़ी प्राचीन माना जाता है। और दोस्तों अभी इस साइड में आपको लेकर चलेंगे जो कि प्राचीन अवशेष बचे हुए हैं और हमको ये बताएंगे हमको कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये है चढ़ ब्राह्मण है जी, ये देवनारायण का पालना है, ये देवनारायण का पालना। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं सामने ये देवनारायण का पालना है और इस साइड में क्या है, ये छठ माता की उकली, ये साधु माता की उकली बताई जाती है जो कि काफ़ी प्राचीन समय की है। और इस साइड में ये वाला, ये अपने देवगन जली में नहीं जिसमें गड़गड़ रान जू जी गड़गड़ रानिया उजर पड़ी मेला का कांगरा राणगा राव जी का राणगा राव जी का मेला का कांगरा। तो दोस्तों जो ये आप सामने देख रहे हैं ये राणगा राव जो राजा था उसके दोस्तों महलों के ये कांगरे गिर चुके थे, झड़ चुके थे। और ये क्या है, ये चार ब्राह्मण है, ये अपने पुराने स्वाई बोझ महाराज की मूर्ति है, बादशाह का बारह में अंग्रेजी के बारह में खंडित की मूर्ति है, बादशाह खंडित मूर्ति ने है स्वाई बोझ महाराज की। ये छाटू माता की मूर्ति है, ये देव महाराज की मूर्ति है ईटा का श्याम, ये हमारे पुराने पोपा जी की छत्री महीने पुराना पोपा जी की मूर्ति बैठी हुई पोपा जी महाराज बैठा है, ये हमारे क्या पुराना बादशाह के बारह में अंग्रेजी के बारह में मूर्ति सब खंडित जोड़ी है, अंग्रेजी के बारह में बादशाह का बारह में हिंदू का देव की सब मूर्ति के खंडित जोड़ी है, पुराना रूपनाथ जी की मूर्ति खंडित जोड़ी बादशाह यहाँ पे सब मूर्ति को खंडित कट जोड़ी मूर्ति को। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर राजस्थान की यात्रा चल रही है तो सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।